हमारे डिस्ट्रिक्ट कठुआ में कोविड की सिचुएशन दिन ब दिन बेहतर हो रही है और पिछले एक हफ्ता में काफ़ी बेहतरी कोविड की सिचुएशन को लेकर आई है। हमारे पिछले एक हफ्ते में कठुआ डिस्ट्रिक्ट में 1114 नए केसेस आए हैं और जो रिकवर्ड केसेस हैं वो 1374 हैं। तो इस हिसाब से अब हमारी रिकवरी बढ़ गई है डेली केसेस के मुकाबले, और जो रिकवरी रेट है वो भी डिस्ट्रिक्ट का हमारा इम्प्रूव होकर 87% को भी क्रॉस कर गया है। इसी के साथ जो नंबर ऑफ डेथ्स हैं उनमें भी पिछले कुछ दिनों में कमी आई है, और पिछले एक हफ्ते में हमारे डिस्ट्रिक्ट में 17 डेथ हुई हैं। और लोगों के कंटिन्यूस कॉपरेशन की वजह से जो हमारा कोविड रिस्ट्रिक्शन है उसका भी पूरी कड़ाई के साथ पुलिस द्वारा और प्रशासन द्वारा उसका भी पालन कराया जा रहा है। हमारे कोविड केयर सेंटर जो कि पंचायत लेवल पर बनाए जा रहे हैं उसमें से हमारे 257 पंचायतों में से 213 पंचायतों में हमारे बेड्स लग चुके हैं, और वहाँ पर हमारे जो कंसेंट्रेटर और जो ऑक्सीजन बेड की जो दूसरी व्यवस्था करनी थी उसके लिए भी JKMSCL को ऑर्डर दिया जा चुका है और वो भी जल्द ही सप्लाई हो जाएंगे। हमारे कोविड मैनेजमेंट किट्स पिछले एक हफ्ते में हमारे जितने भी हमारे नए केसेस आए सभी को कोविड मैनेजमेंट किट प्रोवाइड की गई हैं, और एज ऑन डेट अभी तक हमारी 1849 कोविड मैनेजमेंट किट्स जो डिफरेंट डिफरेंट लोग हैं उनको जो भी हमारे पॉजिटिव आ रहे हैं उनको प्रोवाइड की जा रही हैं। बेड ऑक्यूपेंसी रेट लगातार जो है वो उसमें लगातार गिरावट आ रही है, और नंबर ऑफ एम्प्टी बेड्स हमारे पास बढ़ते चले जा रहे हैं। आज की डेट में हमारे 50% से भी कम बेड्स जो है वो ऑक्यूपाइड है। हमारे GMC में 122 बेड्स में से जो ऑक्यूपेंसी है वो इस समय less than 50 हमारी ऑक्यूपेंसी है। और इसी तरीके से हमारा AK गुप्ता हॉस्पिटल या फिर हमारे जो CSCs वहाँ पर भी हमारी जो ऑक्यूपेंसी है इस समय वो 50% से भी नीचे पहुंच गई है। कोविड की पूरी सिचुएशन में डिस्ट्रिक्ट में बेहतरी एक आ रही है। वैक्सीनेशन ड्राइव हमारा जो अभी तक हमारा 45+ एज ग्रुप के लिए था, कठुआ डिस्ट्रिक्ट में 18 से 45 एज ग्रुप के लिए भी स्टार्ट हो गया है, जिसमें प्रायोरिटी में पहले हमारे जो वल्नरेबल ग्रुप्स हैं उनको प्रायोरिटी में लिया जा रहा है, जिसमें हमारे शॉपकीपर्स, हमारे लॉयर्स, हमारे जर्नलिस्ट, जो हमारे फैकल्टी मेंबर्स हैं कॉलेजेस के, यूनिवर्सिटीज़ के, हमारे शॉपकीपर्स, ढाबे वाले, रेस्टोरेंट में हमारे जो लोग काम करते हैं जिनको रेस्टोरेंट, चाहे वो रेस्टोरेंट चलाते हैं फिर काम करते हैं इसी तरीके से शॉपकीपर्स या फिर शॉप में जो लोग काम करते हैं, और इसी तरीके से हमारे जो स्ट्रीट वेंडर्स जो हैं जो रेहड़ा या रेहड़ी या फिर ठेला लगाते हैं उनको प्रायोरिटी पे लिया जा रहा है। इसी तरीके से जो हमारे गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज जो कि फील्ड में काम करते हैं जिसमें हमारा PHE महकमा, PDD महकमा, हमारे वो मुलाजिम एजुकेशन डिपार्टमेंट के जिनको हमने डिफरेंट डिफरेंट ड्यूटीज़ पे लखनपुर में या फिर हमारे कोविड केयर सेंटर में या फिर हमने रेलवे स्टेशन पर अटल सेतु पर लगा रखा है उनको हम प्रायोरिटी पर वैक्सीनेट सबसे पहले कर रहे हैं। उसके बाद हमारे जो जो दूसरा हमारा हाई रिस्क ग्रुप है जिसमें हमारी विडो, हमारे डिसेबल्ड, हमारे सिंगल मदर, टूरिस्ट, जो ये हमारा सेक्शन आ जाता है इसको भी हम प्रायोरिटी पर ले रहे हैं वैक्सीनेशन के लिए 18 से 45 एज ग्रुप में। इसके बाद फेस्ड मैटर में हमारे जो आम लोग हैं उनको भी इस वैक्सीनेशन उनका भी स्टार्ट किया जाएगा। वैक्सीनेशन का रेट भी हमारा दिन ब दिन इम्प्रूव हो रहा है। मेरी सभी कठुआ वासियों से ये भी निवेदन है कि वो जल्द से जल्द अपने टर्न पर अपना वैक्सीनेशन जरूर कराएं और कोरोना को दूर रखने में, अपने डिस्ट्रिक्ट से कोरोना को दूर रखने में हमारी मदद करें।